यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। राजनीति भी गजब का शौक है, इसमें आगे बढ़ने के लिए आदमी ना जाने किस किस तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कांग्रेस की कार्यकारिणी का सदस्य है और राजनीति में अपने मुकाम को हासिल करने के लिए वे अपनी पत्नी तक को दांव पर लगाने से नहीं चूक रहे। चलिए अब हम आपको बता ही देते हैं कि इस नेता का नाम क्या है। दरअसल नेता है गाजियाबाद के शान मोहम्मद, जिन पर अपनी ही पत्नी ने उनकी आरोप लगाया है कि वह राजनीति में उच्च स्थान हासिल करने के लिए उसे उच्च नेताओं के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करता है और मना करने पर उसे करंट के झटके देता है, मारता पीटता है और ये यातनाएं लगातार देता है। पत्नी के अनुसार पिछले 4 सालों से शान मोहम्मद उनके साथ ऐसा कर रहा है और वह जब पीड़िता अपने साथ हो रहे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकी तो उसने इसके बारे में अपनी मां को जानकारी दी, जिसके बाद ये मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। पीड़िता ने पुलिस थाने में बताया कि उसे उसके पति से जान का खतरा भी है। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अपने आप में ये बहुत गंभीर मामला दिखाई दे रहा है। का नाम शान मोहम्मद है, वो मुझे बहुत मारते पीटते और अपने कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने बड़े नेताओं को लेकर आते हैं घर और मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं कि इनसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी, वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि इस वजह से कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं उनकी बात नहीं मानती, तो वो मुझे मारते पीटते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और अब की बार तो मुझे करंट भी लगा चुके हैं। पुलिस में जाते तो कोई कार्रवाई नहीं होती हमारी।